नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की बिसात तैयार हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां रैलियां और महासभाएं कर जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में मुहिम चलाई हुई है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मुहिम के तहत आज यूपी के बरेली में मैराथन आयोजित की गई। सुबह हजारों की संख्या में लड़कियां मैराथन में पहुंच गई, लेकिन इस मैराथन में भगदड़ मच गई, जिससे कई बच्चियां भीड़ में दब गई। मैराथन में भीड़ ज्यादा होने से आयोजक व्यवस्थाओं को संभाल नहीं सके। दरअसल बिशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान में सुबह 10 बजे दौड़ शुरू होते ही आगे दौड़ रही बच्चियां धक्का लगने से गिर गई। इसके बाद पीछे से आ रही भीड़ उन पर चढ़ गई। चीख पुकार के बाद भगदड़ में कई बच्चियां घायल हो गई। कांग्रेस की मैराथन रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक के सवाल पर कांग्रेसी नेता मीडिया कर्मियों से भी उलझ गए, जिसके बाद इस कार्यक्रम में शामिल होने आई ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर और यूपी वेस्ट की प्रभारी संगीता गर्ग सफाई देते हुए बोली कि ये भगदड़ नहीं थी, ये तो बच्चियों का नंबर वन आने का जोश था। किसी को भी चोट नहीं आई है, बस सभी बच्चियों में ये जुनून था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की रवानगी करूंगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम सफल रहा और इसमें करीब 10,000 बच्चियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि बरेली में आयोजित हुई कांग्रेस की मैराथन रैली में अचानक भगदड़ मचने से और अव्यवस्था के चलते कई छात्राओं को चोट भी आई है। इस भगदड़ के बाद सड़क पर बच्चियों के जूते चप्पल बिखरे पड़े दिखाई। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।